Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So in this session, I am going to take up more legal terms and phrases. First is purse the corporate will. What does it mean? It is related with the corporate law. So it refers to a situation in which court puts aside limited liability and which holds a corporation's shareholder directors personally liable for the corporation's actions or debts. सो ये जो वेल पर्सिंग है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्लोज कॉरपोरेशंस में. इज इट क्लियर? दैट इज़ पर्सिंग द कॉरपोरेट वेल. सो लेट मी रीड फॉर यू. टू प्रूव दैट अ कॉरपोरेशन एग्जिस्ट मेयरली एज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड फ्रंट फॉर एन इंडिविजुअल और मैनेजमेंट ग्रुप सो दैट इन अ लॉ सूट द इंडिविजुअल डिफेंडेंट्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस फॉर एक्शन ऑफ द कॉरपोरेशन. सो इफ अ कॉरपोरेशन हैज़ इशूड स्टॉक एंड दे हेल्ड रेगुलर मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स इट इज़ अनलाइकली अ जज विल पर्स द विल एंड लिमिट द लाइबिलिटी ऑफ द कॉरपोरेशन अनलेस देर इज अ प्रूफ दैट कॉरपोरेशन वॉज क्रिएटेड टू अकम्प्लिश अ फ्रॉड ऑन दोज डीलिंग विद इट. इज इट क्लियर? दैट इज पर्सिंग द कॉरपोरेट विल. नेक्स्ट इज पिल्फरेज. पिल्फरेज मीन्स कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों का चोरी कर रहे हो दैट इज़ अ चोरी कर रहे हो दैट इज़ अ पिल्फरेज. जैसे किसी को शिपमेंट से चोरी कर रहे हो बैगेज से चोरी कर लिया दैट इज़ अ पिल्फरेज. पिम्प. नेक्स्ट इज पिम्प. पिम्प मीन्स कि जहाँ पे आप किसी प्रोस्टिट्यूट्स की हेल्प कर रहे हो जो प्रोस्टिट्यूट को आप लेके आ रहे हो फिर उसके बाद उसके प्रॉफिट शेयर कर रहे हो दैट इज़ अ पिम्प. पिंक स्लिप. पिंक स्लिप मीन्स ये क्या है? पिंक स्लिप ये जो यूज़ हो रहा है इट इज़ यूज्ड फॉर ऑफिशियल मोबाइल ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. इज इट क्लियर? इट इज़ अ स्लैंग फॉर नोटिस ऑफ बीइंग फायर्ड और लेड ऑफ फ्रॉम अ जॉब दैट इज़ पिंक स्लिप. नेक्स्ट इज़ पायरेसी. पायरेसी क्या है? पायरेसी की जब आप बोट्स में शिप में कोई रॉबरी का लूट मार का काम कर रहे हो वो क्राइम कर रहे हो दैट इज़ अ पायरेसी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म मीन्स कि जब आप कॉपी कर रहे हो किसी की राइटिंग्स को किसी के लिटरली कॉन्सेप्ट को कॉपी कर रहे हो या उसको पब्लिश कर रहे हो सेल कर रहे हो अपना अपना वो डॉक्यूमेंट बना के दैट इज़ अ प्लेजरिज्म. इज इट क्लियर? सो ऑथर है उसका ही कैन ब्रिंग अ केस अगेन ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू. नेक्स्ट इज प्लेन व्यू डॉक्ट्राइन. इट मीन्स कि जब इन्फोर्स कोई भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है जैसे कि पुलिस ऑफिसर है तो वो सर्च वारंट के बिना ही कोई एविडेंस के बिना ही कैन सर्च एंड सीज दी योर ऑब्जेक्ट्स. इज इट क्लियर? सो फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिसमैन ने एक मोटरिस्ट को रोका फॉर क्योंकि उसने छोटा मोटा कोई ट्रैफिक वायलेट किया था ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए थे और उसने देखा कि उसके कार में एक पिस्टल है बैक सीट पे तो उस वजह से पिस्टल की वजह से ही हैज़ अ रीजनेबल कॉज टू एंटर द व्हीकल टू मेक अ सर्च. दैट इज़ प्लेन व्यू डॉक्ट्राइन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ प्लेंटिफ. प्लेंटिफ कौन है? जो केस फाइल करता है ही इज़ अ प्लेंटिफ. प्लेंटिफ से अटॉर्नी क्या है? जो प्लेंटिफ को रिप्रेजेंट करता है केस में वो प्लेंटिफ का अटॉर्नी है. नेक्स्ट इज़ द प्ली. प्ली मीन्स कि अगर हम क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग देखें व्हाट इज़ प्ली? जो भी उस पे डिफेंडेंट पे चार्ज लगा हुआ है उसका वो रिस्पॉन्स दे रहा है गिल्टी और नो गिल्टी या नो कॉन्टेस्ट दैट इज़ अ प्ली. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ अ प्ली बार्गेन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्ली बार्गेन? क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल प्रोसीजर में देर इज़ अ नेगोशिएशन बिटवीन दी अटॉर्नी एंड दी डिफेंडेंट. एक साइड पे प्रोसिक्यूटर दूसरी साइड पे होता है ठीक है. एक साइड पे डिफेंडेंट एंड अटॉर्नी है और दूसरी साइड पे प्रोसिक्यूटर है जहाँ पे डिफेंडेंट एग्री करता है कि वो गिल्टी प्ली करेगा या नो कॉन्टेस्ट टू सम क्राइम्स और उसके बदले में जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो क्या है दे से कि जो उसके चार्जेस की सिवरिटी होगी वो उसको रिड्यूस करवा देंगे डिसमिस करवा देंगे उस पर जो चार्जेस हैं. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ प्ली बार्गनिंग. सी इन क्रिमिनल प्रोसीजर अ नेगोशिएशन बिटवीन द डिफेंडेंट एंड द अटॉर्नी एंड वन साइड एंड द प्रोसिक्यूटर ऑन द अदर साइड इन विच
in which defendant agrees to plead guilty or no contest to some crimes. Is it clear? In return for the reduction of the severity of the charges, dismissal of some of the charges, the prosecutor is willingness to recommend a particular sentence or some other benefit to the defendant. So, कई बार क्या होता है, sometimes one element of the bargain is that the defendant reveal information such as location of stolen goods, names of other participating in crime or admission of other crimes. तो judge must agree to the result of the plea bargaining before accepting the plea. That is a plea bargaining. Next is plea in abatement. That is plea, जैसे आप plea करते हो वैसे वही plea in abatement है. Plead. प्लीड क्या है कि अगर जैसे सिविल सूट है, सिविल सूट में आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, यू आर फाइलिंग एनी डॉक्यूमेंट, जैसे कोई कंप्लेंट है, पिटीशन, डिक्लेरेशन, वो क्या होगा, प्लीड है. क्रिमिनल लॉ में जो डिफेंडेंट है, फी एंटर्स इनटू अ प्ली, जो भी उस पर चार्जेस लगे हैं तो वो कह रहा है प्लीड गिल्टी, नॉट प्लीड, तो दैट इज़ प्लीड. प्लीडिंग क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप कोर्ट में फाइल कर रहे हो रिगार्डिंग योर लॉ सूट, तो दैट इज़ अ प्लीडिंग. जैसे कोई भी आपका प्लेंट है वो भी प्लीडिंग हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो अ प्लीडिंग. कोई कुछ किसी भी तरह के लॉ डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो कोर्ट में, आर्ग्यू कर रहे हो, दैट इज़ अ प्लीडिंग. नेक्स्ट इज़ अ प्लेज. प्लेज क्या है, जहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को आप सिक्योरिटी पर दे रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग द लोन, दैट इज़ प्लेज. प्लेनरी, फुल कंप्लीट सारे मैटर्स कवर कर रहा है, दैट इज़ अ प्लेनरी. पुलिस कोर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पुलिस कोर्ट. पुलिस कोर्ट म्यूनिसिपल कोर्ट है जो कि छोटे मोटे क्राइम्स को हैंडल करती है, कोई ट्रैफिक वॉयलेशंस हो गया है, एनीथिंग, कोई छोटी मोटी आपके आपने चोरी की है, तो म्यूनिसिपल कोर्ट वो उनको हैंडल करती है, उसको हम पुलिस कोर्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ पुलिस पावर्स. इट मीन्स कि जैसे अगर आप देखोगे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, ये जो भी काम कर रहे हैं पुलिस के पास पावर्स हैं, ठीक है. पुलिस में लाइसेंसिंग भी इंक्लूड है, इंस्पेक्शन भी है, सेफ्टी रेगुलेशंस, एवरीथिंग, दे आर वर्किंग फॉर द पब्लिक, दे हैव द पुलिस पावर्स. नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल क्वेश्चंस. पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि जो कोर्ट अगर कोई इश्यूज रेज हो रहे हैं रिगार्डिंग दी पब्लिक बिजनेस, वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं एंड दैट आर डिटरमाइंड बाय दी कोर्ट, दे आर पॉलिटिकल क्वेश्चंस. पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मींस जब किसी का भी कोई एक से ज़्यादा वाइफ है या एक से ज़्यादा हस्बैंड है सेम टाइम पे, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगैमी. पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ मींस ये जो टेस्ट होता है ये लाई डिटेक्टर डिवाइस है, इसमें आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टेस्ट होते हैं जब क्वेश्चंस आप आंसर करते हो, दैट इज़ अ पोलोग्राफी. नेक्स्ट इज़ प्रोनोग्राफी. प्रोनोग्राफी मीन्स अगर आप किसी की सेक्चुअली कोई पिक्चर्स ले रहे हो, राइटिंग्स ले रहे हो, ठीक है, उनके फीलिंग्स को आप ब्लैटेंड कर रहे हो, दैट इज़ प्रोनोग्राफी. इसमें आप बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, इवन यू आर इन्वॉल्विंग एनिमल्स ऑल्सो. तो इन प्रोनोग्राफी ऑल टाइप्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज इन्वॉल्व. नेक्स्ट इज फैसकोमेटस. फैसकोमेटस इट इज़ अ लेटेंट फ्रेज विच मीन्स पॉसिबल फोर्स, विच मीन्स पॉसिबल. इसमें क्या होता है कि इसमें लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, उनके पास पावर होती है कि वो किसी भी एडल्ट पर्सन को जो एबल्ड बॉडीड है उनको बुलाए ताकि वो क्रिमिनल हमारी जो ये है क्रिमिनल को ढूंढने में असिस्ट कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैसकोमेटस. पोजेसिस, पोजेसिस मींस जो फिजिकली कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है, ही इज़ हैविंग, समबडी इज़ हैविंग टाइटल, ही पोजेसिस, कि डिसीज्ड पर्सन पोजेसेस सच एंड सच प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर. नेक्स्ट इज पोजेशन. पोजेशन अगेन द सेम थिंग, यू हैव समथिंग, यू हैव कंट्रोल अंडर सम प्रॉपर्टी, या आपके पास कोई आर्टिकल है, कोई गुड्स है आपके पास, प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट है कोई, दैट इज़ पोजेशन. कोई प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, इट इज़ अंडर योर कंट्रोल, दैट इज़ अ पोजेशन.
कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में क्या आ जाता है, जो इमिडिएटली आपके पास नहीं है बट विच वन हैज़ राइट टू होल्ड एंड मीन्स टू गेट। जैसे किसी स्टोर रूम की चाबी आपके पास है, दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। नाउ क्रिमिनल पोजेशन क्या है? क्रिमिनल पोजेशन मीन्स इट इज़ होल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज़ इलीगल टू पोसेस सच एज कंट्रोल्ड नार्कोटिक्स स्टोलन गुड्स और लिक्विड बाय अ जुवेनाइल। इज इट क्लियर? दैट इज़ अ पोजेशन, पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स। अब आपने जो गुड्स चोरी किए थे, यू आर इन पोजेशन ऑफ दैट गुड्स, या फिर आपने चोरी करके गुड्स किसी को दे दिया, अब उसको भी ये पता था कि ये चोरी किए हुए गुड्स हैं तो उसके वो पोजेशन ले रहे, दैट इज़ ऑल्सो अ क्राइम। सो दैट इज़ अ पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स। हाँ, अगर आप किसी को सेल कर रहे हो चोरी किए हुए गुड्स, उसको नहीं पता कि ये चोरी किए हुए हैं, देन इट इज़ नॉट अ क्राइम। बट गुड्स जो है वो रियल ओनर को, जो लीगली ओनर है उनका, उनको वापस किए जाएंगे। नेक्स्ट इज़ पोजेसरी इंटरेस्ट। पोजेसरी इंटरेस्ट मीन्स, पोजेसरी इंटरेस्ट है जैसे कि लॉन्ग टर्म लीज हो गए हैं, जहाँ पे कि प्रॉपर्टी में किसी पर्सन की इंटेंशन है कि वो उस लैंड को ऑक्यूपाई कर ले एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड, दैट इज़ अ पोजेसरी इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्टर। पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्टर मीन्स, अब इसमें क्या है कि अगर आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट दी है और वहाँ पे आपने कहा कि ये प्रॉपर्टी इस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, तो अगर वो पर्पज़ नहीं वहाँ पे फुलफ़िल हो रहा, वो पर्पज़ के लिए बिल्डिंग नहीं यूज़ हो रही है, देन प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू दी ओरिजिनल ग्रांटर, दैट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि एक गिफ्ट प्रॉपर्टी को गिफ्ट हुआ था, प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई थी हॉस्पिटल को, और किस कंडीशन पे, कि दैट इज़ इट इज यूज फॉर एवर फॉर हेल्थ केयर, बट इफ़ द बिल्डिंग इज़ नो लॉन्गर यूज फॉर दैट पर्पज, द प्रॉपर्टी विल रिवर्ट टू द फैमिली ऑफ द ओरिजिनल ग्रांटर। रियल प्रॉपर्टी इज़ गिवन टू अ डॉटर एंड हर चिल्ड्रन, बट विल रिवर्ट टू हर ब्रदर्स डिसेंडेंट इफ हर लाइन डाइज विदाउट फर्दर इशूज। इज इट क्लियर? दैट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्टर। नेक्स्ट इज़ द पोस्ट। आप कोई नोटिस दे रहे हो किसी को, किसी भी रियल प्रॉपर्टी के एंट्रेंस पे या प्रोमिनेंट प्लेस पे आप किसी को नोटिस दे रहे हो कि ये प्रॉपर्टी को आप लीव कर दो या रेंट पे कर दो, वॉट एवर नोटिस, दैट इज़ अ नोटिस। लीगल नोटिस दे रहे हो, कोई पब्लिक नोटिस दे रहे हो, कोर्ट हाउस में दे रहे हो, दैट इज़ अ पोस्ट बाय पोस्ट। इज इट क्लियर? या किसी को कोई थ्रू आप मेल दे रहे हो, दैट इज़ अ पोस्ट। पोस्टमार्टम कब होता है? डेथ के बाद है। इसमें क्या होता है कि डेड बॉडी की एग्जामिनेशन होती है कि उसके किस पर्पज़ के लिए, कि वॉट इज़ द रीज़न फॉर दी हिज डेथ, क्या कॉज क्या, इसकी डेथ किस तरह से हुई है, इसको ऑटोप्सी भी कहते हैं। देन पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मीन्स, सो इट मीन्स कि जो चेक आप दे रहे हो किसी को और डेट उसमें फ्यूचर डेट कोई मेंशन की हुई है, सो दैट कि ये उस डेट तक कैश ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आप एक चेक लिख रहे हो, उस पर डेट आप किसी जून मंथ ऑफ जून की लिख रहे हो, तो उस पर्पज़ से कि आपका जो चेक है दैट शुड नॉट बी कैश्ड अनटिल दी पर्टिकुलर डेट ऑफ दी जून, दैट इज़ पोस्ट डेटेड चेक। पॉट। पॉट मीन्स एन इलीगल नारकोटिक। नेक्स्ट पोर ओवर विल। जो प्रॉपर्टी, सो इट मीन्स कि ये पोर ओवर विल क्या है कि पर्सन अपनी विल में ऑलरेडी एक ट्रस्ट क्रिएट कर देता है, एंड उसमें वो क्या है कि जो प्रॉपर्टी उसकी डेथ पे जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्टीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ट्रस्टीज। इज इट क्लियर? सो इट इज़ अ प्रोटेक्शन, जनरली इट इज़ अ प्रोटेक्शन विच इज़ इंटेंडेड टू गारंटी दैट एनी एसेट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रस्ट बिकम्स द एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट अपॉन द पार्टीज डेथ, दैट इज़ पोर ओवर विल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ पावर। पावर सबको पता है क्या है? अथॉरिटी। यू हैव सम पावर टू डू सच एंड सच एक्ट, ठीक है, तो दैट इज़ अ पावर। अगर आप कह रहे हो कि हम आपके पास, आपको अथॉरिटी दी गई है कोई एक्शन लेने की, आपकी कहीं ड्यूटी ली गई, मीन्स यू, अगर आपकी ड्यूटी है तो आपकी, आपके पास पावर है टू डू समथिंग,
टू ट्रा अगर सपोज इट इज़ योर प्रॉपर्टी, यू आर दी ओनर ऑफ योर प्रॉपर्टी, तो आपके पास पावर है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, या एक पावर रेंट पे देने के लिए, वॉट एवर यू कैन डू विद योर प्रॉपर्टी, दैट इज़ अ पावर. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कमिंग अप विद मोर लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस. थैंक यू.